क्लास बाकियों को भी टेक्स्ट करें जल्दी से कि वो भी आ जाएं, फिर हम स्टार्ट करते हैं। जो जो भी जिसके भी कांटेक्ट में है उसे प्लीज कॉल करें और टेक्स्ट करें। कर लें अभी 5 मिनट। मैम आज आप खुद बहुत लेट हो गई हैं। लेट हो गई हूँ? नहीं तो लेट तो नहीं हूँ। एक्चुअली क्लास को, ऑनलाइन क्लास को 10-15 मिनट इसलिए भी लेट स्टार्ट किया जाता है कि मैं करती हूँ कि बहुत सारे लोगों को इंटरनेट का ही बड़ा इश्यू होता है। तो लिंक तो मैंने खान को 3 बजे से भी पहले सेंड कर दिया था। मैम आप शुरू करवा दें, इतने ही लोग होते हैं ऑलमोस्ट। ठीक है, एक सेकेंड। आएंगे जरा, कहाँ से पढ़ना था हमने? मैम ये नोट्स के पेज नंबर 8 है। विल यू कम टू द डोर विद मी एंड लुक फॉर इट नाउ। यू कम? एक्चुअली मेरे पास पीडीएफ है तो मेरे पास तो वो पेज नहीं होगा। रिकॉल द पैसेज अगेन। विल यू? विल यू कम टू द डोर विद मी। ओके, लेट मी हैव इट। Will you come to? Okay, got it. He bit. It was. What was happening before in the short story? And what was the narrator trying to say to signal man? And what was the reply of the signal man to the narrator? मैम वो यही लास्ट में पूछ रहा था कि क्या तुम्हें वो जिन दोनों को नजर आया था जब पहले घंटी भी सुनाई गई थी जब तुमने मैं तुम्हारे पास बैठा हुआ था। एग्जैक्टली, गुड। और उसने उसे पूछा कि मुझे तो कोई बेल सुनाई नहीं दी, मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि तुम्हारी इमेजिनेशन तुम्हें मिसलीड कर रही है। असल में ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि अगर बेल की आवाज तुम्हें आई है तो फिर मुझे भी आनी चाहिए थी, और मैं तो इस यही बैठा हुआ था। तो वो कहता है कि तुम्हें आवाज नहीं आई तो मुझे इस पर कोई हैरानगी नहीं है, क्योंकि जाहरी बात है जो घोस्ट होगा वो कभी भी उसको आवाज नहीं देना चाहेगा, वो तो जिसको नजर आता है उसी को ही आवाज आएगी। तो वो कहता है कि तुम मेरे साथ अभी बाहर चलोगे, देखोगे वो घोस्ट वहां है या नहीं। ही बिट हिज अंडर लिप एज दो ही वर समवॉट अनविलिंग बट अरोज। जाना तो नहीं चाह रहा था लेकिन वो फिर भी उठ खड़ा हुआ उसके साथ। आई ओपन द डोर एंड स्टूड ऑन द स्टेप। वाइल ही स्टूड इन द डोरवे, देयर वॉज द डेंजर लाइट, देयर वॉज द डिस्मल माउथ ऑफ टनल, देयर वर द हाई वेट स्टोन वॉल्स ऑफ द कटिंग, देयर वर द स्टार्स अबव देम। अब वो एक एक बात को इसलिए भी और इस तरह नरेट कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है कि जब मैंने दरवाजा खोला तो वो बाहर निकला, हर चीज वहां मौजूद थी सिवाय उस घोस्ट के। उसे डिस्मल वॉल नजर आ रही थी, डिस्मल माउथ, डिस्मल कहते हैं ग्लूमी, और माउथ इसलिए भी उसको ग्लूमी कह रहा है क्योंकि वो टनल के अंदर से ट्रेन निकल के आती है ना, तो बहुत अंधेरा होता है वहां पे, जो चीज बहुत ज्यादा अंधेरी होती है हम उसको ग्लूम के साथ सिंबलाइज करते हैं। तो यहाँ पे वो ग्लूम की बात कर रहा है कि बहुत ग्लूमी और डिस्मल सिचुएशन थी, और कटिंग थी उसकी दोनों तरफ, जहां से रॉक्स को कट करके टनल बनाई जाती है, हर चीज मौजूद थी। डू यू सी इट? आई आस्क्ड हिम, टेकिंग पर्टिकुलर नोट ऑफ हिज फेस। हिज आईज वर प्रोमिनेंट एंड स्ट्रेन्ड। उसकी आंखें यूं थी जैसे खिंची हुई हैं, बट नॉट वेरी मच मोर सो परहैप्स देन माई ऑन हैड बीन व्हेन आई हैड डायरेक्टेड देम अर्नेस्टली
टूवर्ड्स द सेम स्पॉट, उसी तरफ जहां वो पहले उसे बताता था कि वो घोष को खड़ा हुआ देखता है। मैंने उस जगह की तरफ हाथ से इशारा करते हुए कहा, अब तुम्हें नजर आ रहा है? नो, ही आंसर्ड, इट इज नॉट देयर। अग्रीड, सेड आई। अब नरेटर को फिर यकीन होने लगा था कि ये इसका वहम है, ये इसकी इमेजिनेशन है जो इसे मिसलीड कर रही है, अदरवाइज यहाँ पे कोई घोस्ट नहीं है। अभी तक नरेटर उसकी बात मानने के लिए तैयार नहीं है। वी वेंट इन अगेन, शट द डोर एंड रिज्यूम्ड आवर सीट्स। फिर बैठ गए उसी डोर में आकर, उसी बॉक्स में आकर। आई वॉज थिंकिंग हाउ बेस्ट टू इम्प्रूव दिस एडवांटेज इफ इट माइट बी कॉल्ड वन, व्हेन ही टुक अप द कन्वर्सेशन इन सच अ मैटर ऑफ कोर्स वे, सो अस्यूमिंग दैट देर कुड बी नो सीरियस क्वेश्चन ऑफ फैक्ट बिटवीन अस, दैट आई फेल्ट माई सेल्फ प्लेस्ड इन द वीकेस्ट ऑफ पोजिशन। इस वक्त तो अपने आप को इसलिए भी वीकेस्ट पोजिशन में फील कर रहा था क्योंकि यहाँ पे कुछ भी कहना और उसे समझाना बेकार था, और क्योंकि सिग्नल मैन को उसकी किसी बात पे इसलिए भी वो उससे कह रहा था कि मुझे तुम पे हैरानगी नहीं है, क्योंकि जो वो बात इस वक्त कर रहा था वो सिर्फ सिग्नल मैन बेहतर जानता था कि उसके साथ क्या हो रहा है और वो किस मिजरेबल सिचुएशन से गुजर रहा है। कहता है कि मैं जो कन्वर्सेशन मेरी उसके साथ हुई थी और जो कुछ मैंने अस्यूम किया था, मैं इस वक्त बहुत वीकेस्ट पोजिशन में था कि उसे कुछ समझा सकता या कोई दलील दे सकता। By this time you will fully understand, sir, he said. तुम खुद ही समझ जाओगे वक्त के साथ, that what troubles me so dreadfully is the question, what does the spectre mean? जो चीज सबसे ज्यादा सिग्नल मैन को परेशान करती थी वो ये थी कि उस घोस्ट का बार बार नमूदार होना और उसके सामने आने का मकसद क्या है। स्पेक्टर मीन घोस्ट, स्पेक्टर का वैसे मतलब होता है वो चीज जो बहुत जल्दी गायब हो जाए और एक लम्हे के लिए नजर आए फिर गायब हो जाए, तो स्पेक्टर से यहाँ मुराद घोस्ट है। I was not sure. I told him that I did fully understand. वो अभी तक भी उसकी बात को मुकम्मल नहीं समझा था। What is its warning against? वो अगर जाहिर भी होता है, वो नमूदार होता है, तो मुझे क्या चीज, किस चीज की वार्निंग दे रहा है मुझे? He said, ruminating with his eyes on the fire, अपनी आंखों को फिक्स करते हुए फायर के ऊपर, एंड ओनली बाय टाइम्स टर्निंग देम ऑन मी, और इतनी दफा सिर्फ वो बात करते हुए मेरी तरफ भी देखता था फिर फायर की तरफ देखने लगता था। व्हाट इज द डेंजर? स्पेक्टर बार बार अपीयर होकर उसे किस खतरे की निशानदेही करता है? वेयर इज द डेंजर? और वो खतरा क्यों है? क्योंकि वो ये कह रहा होता है ना, लुक आउट बिलो देयर फॉर गॉड से क्लियर द वे, और ये एक बंदा उसी वक्त कहता है जब वो किसी दूसरे को बचाना चाह रहा हो, तो कहता है वो मुझे क्यों बचाना चाह रहा है, किस चीज से बचाना चाह रहा है और कौन सा खतरा है जिसके लिए मुझे बार बार इंडिकेट करता है। देर इज डेंजर ओवर हैंगिंग समवेयर ऑन द लाइन, मुझे लगता है कि हर वक्त इस रेलवे की पटरी पे कोई ना कोई खतरा मंडला रहा होता है। सम ड्रेडफुल कैलमिटी विल हैपन, कोई बहुत खौफनाक आफत आने वाली है। इट इज नॉट टू बी डाउटेड दिस थर्ड टाइम, तीसरी दफा ये होने वाला है और तीसरी दफा मुझे किसी खतरे से आगाह कर रहा है। आफ्टर वट हैज बीन गॉन बिफोर, क्योंकि पहले जो कुछ हो चुका है। बट श्योरली दिस इज अ क्रूअल हॉन्टिंग ऑफ मी, लेकिन ये एक असेब जालिम और असेब ज्यादा चीज की तरह मेरे पीछे पड़ा हुआ है। वट कैन आई डू? ही पुल्ड आउट हिज हैंडकरचीफ एंड वाइप द ड्रॉप्स फ्रॉम हिज हीटेड फॉरहेड। यहाँ पे इस वक्त पसीने के कतरे जो है ये दो चीज को सिंबलाइज करते हैं। एक तो ये जो कि इसका क्या मीनिंग कहना चाहिए, इसका लिटरल मीनिंग है वो ये है कि वो आग के पास बैठे हुए, इसलिए। दूसरा, ये उस खौफ का स्वेट है जो सिर्फ और सिर्फ सिग्नल मैन फील कर रहा है, जो नरेटर फील इसलिए भी नहीं कर सकता बिकॉज ही इज नॉट इन हिज शूज। इन हिज शूज मीन ही इज नॉट इन दैट कंडीशन इन विच कंडीशन द सिग्नल मैन इज फेसिंग ऑल दिस। His pain of mind was most pitiable to see. अब उसकी हालत और उसकी दिमागी हालत देखने वाली थी, pitiable थी। It was the mental torture of a conscientious man, oppressed beyond endurance by an unintelligible responsibility involving life. इस वक्त उसकी कंडीशन एक ऐसे इंसान की थी जो एक ऐसी सिचुएशन के साथ लड़ रहा था और उसका जमीर उसे टॉर्चर कर रहा था, उसकी मेंटल टॉर्चर, उसका जमीर भी उसे टॉर्चर कर रहा था और अप्रेस था। क्यों उसे ऐसी चीज इंड्योर करना पड़ रही थी जो कि अनइंटेलिजिबल थी
अनइंटेलिजिबल ना समझ आने वाली, लेकिन उसके साथ साथ उसकी जिंदगी की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ सिग्नल मैन, कि उसे वहां पे अपनी ड्यूटी पूरी करनी पड़ रही थी और वो चाहते या ना चाहते हुए भी वहां मौजूद था अपनी ड्यूटी पूरी करने के लिए. When it first stood under the danger light, he went on, कहता जब पहली दफा मैंने घोस्ट को देखा था, वो बताना शुरू हुआ, putting his dark hair back from his head and drawing his hands outward across and across his temples, उसने अपनी कनपट्टी पे अपने बाल पीछे किए, in an extremity of feverish distress, लेकिन बहुत ही distressful और कमजोर लहजे में, why not tell me where the accident was to happen if it must happen, जब वो पहली दफा डेंजर लाइट के पास अपीयर हुआ था तब उसने मुझे क्यों नहीं बताया था कि कुछ होने वाला है और वो कहाँ होने वाला है और उसको कैसे अवर्ट किया जा सकता है. अवर्ट मीन टाला जा सकता है, कोई आफत आने वाली है तो वो उसे घोष्ट ये भी तो बता सकता था कि आफत आने वाली है उसे किस तरह निपटा जा सकता है. इफ इट कुड हैव बीन अवर्टेड, अगर उसे अवर्ट किया जा सकता था. वेन ऑन इट्स सेकेंड कमिंग इट हिड इट्स फेस, Why not tell me instead? जब वो दूसरी दफा आया तब भी उसने चेहरा छुपाया हुआ था, मुझे क्यों नहीं बताया? She is going to die. Let them keep her at home. ये क्यों नहीं बताया कि वो लड़की जब स्टेशन से बैठी होगी गाड़ी में तो वो बहुत जल्द मरने वाली थी, तो उस तभी उसने क्यों इन्फॉर्म नहीं कर दिया कि वो घर ही रहती? If it came, और अगर उसने नमूदार होना ही था on those two occasions, only to show me that its warning were true, वो सिर्फ इसलिए शो होता है कि उसकी वार्निंग बिल्कुल सच्ची है, and so to prepare me for the third, why not warn me plainly now? अब वो बार बार, अब तीसरी दफा मुझे वार्न क्यों नहीं कर रहा? अब वो बार बार अपीयर होके क्या मुझे थर्ड के लिए सिर्फ प्रिपेयर करना चाहता है? एंड आई, लॉर्ड हेल्प मी, अ मियर पुअर सिग्नल मैन ऑन दिस सॉलिटरी स्टेशन, और वो भी मुझ जैसे इंसान को वो वार्न कर रहा है जो यहाँ पे गरीब और तन्हा इंसान पता नहीं कब से इस रेलवे स्टेशन पे मौजूद है. Why not go to somebody with credit to be believed and power to act? क्यों नहीं किसी और के पास तुम जाते हो, उसे उसे कहते कि वो कुछ करे पावर एक्ट करने के लिए, या फिर वो किसी के पास क्यों नमूदार नहीं होता उस आदमी के पास जो कि कुछ पावर, जिसके पास पावर है और वो उस इंसिडेंट को बचा सकता है. When I saw him in this state, I saw that for the poor man's sake as well as for the public safety, what I had to do for the time was to compose his mind. इस वक्त वो कहता मैं जो भी कर सकता था सिर्फ उसको mentally relax कर सकता था, nothing else. Therefore, setting aside all question of reality or unreality between us, I represented to him that whoever thoroughly discharged his duty must do well, and that at least it was his comfort that he understood his duty. Though he did not understand these confounding appearances, कहता मैंने उसे ये कहकर तसल्ली देने की कोशिश की कि तुमसे बेहतर इस ड्यूटी को कोई समझता ही नहीं है, और तुम जिस तरह से अपनी ड्यूटी को निभा रहे हो, मैं जरूर मानता हूँ कि तुम एक ऐसी सिचुएशन में घिरे हुए हो जहाँ पे कन्फाउंडिंग अपेरेंस, कन्फाउंडिंग महदूद वो चीजें जो तुम्हें नजर आ रही हैं, बेशक तुम इस वक्त सिचुएशन में हो, लेकिन तुम ये भी तो देखो कि तुमसे बेहतर ड्यूटी कोई और कर ही नहीं सकता. तो कहता मैंने वो सवाल जो मेरे जहन में उठ रहे थे कि ये सब कुछ रियल है या अनरियल है, मैंने उसको कुछ लम्हे के लिए साइड पर रख दिया. इन दिस एफर्ट आई सक्सीडेड फार बेटर देन इन द अटेम्प्ट टू रीजन हिम आउट ऑफ हिज कन्विक्शन, मैं उसे उसके खुद से बुने हुए ख्यालात से किसी हद तक बाहर निकाल लाया. ही बिकेम काम, कुछ वो पुरसकून हुआ. द ऑक्यूपेशंस इंसिडेंटल टू हिज पोस्ट एज द नाइट एडवांस बिगन टू मेक लार्जर डिमांड्स ऑन हिज अटेंशन, जैसे जैसे वहां रात होती जाती थी उसकी ड्यूटी भी ज्यादा सख्त होती जाती थी. एंड आई लेफ्ट हिम एट 2 in the morning, और मैं उसे 2 बजे छोड़कर आ गया. I had offered to stay through the night. मैंने उसे कहा भी था कि मैं उसके पास रात रुक जाता हूँ, but he would not hear of it, लेकिन वो ना माना. That I more than once looked back at the red light. और जाने से पहले मैंने एक दफा फिर पीछे मुड़कर उस रेड लाइट की तरफ देखा. As I ascended the pathway, जब मैं ऊपर जा रहा था, that I did not like the red light and that I should have slept but poorly if my bed had been under it. I see no reason to conceal. और मैंने वो उस रेड लाइट से नफरत की वजह सोची कि अगर मेरा मेरी जहाँ इस बेचारे का बॉक्स है या बेड लगा हुआ है, अगर मेरा होता तो मेरा तो मैं भी मुझे भी कोई रीजन नजर नहीं आ रही थी कि मैं अपने खौफ को छुपाता. नॉट डिड आई लाइक द 2 sequences ऑफ द एक्सीडेंट और द डेड एंड द डेड गर्ल, ना ही उसे
वो उसने जो इंसिडेंट दो सुनाए थे वो उसे बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगे थे। अच्छे ना लगने का पर्पस यहाँ पे ये है कि उसे बहुत खौफनाक लगे थे। अच्छे लगने का मतलब यहाँ ये नहीं, कौन एक्सीडेंट को और डेथ को अच्छा समझता है। आई सी नो रीजन टू कंसील दैट इधर, और मैं उस खौफ को भी इस वक्त छुपाने के काबिल नहीं था, तो कोई वजह भी नहीं थी। बट वॉट रैन मोस्ट इन माई थॉट वॉज द कंसिडरेशन हाउ ऑट आई टू एक्ट हैविंग बिकम द रिसिपियंट ऑफ दिस दिस डिस्क्लोजर। अब मेरे पास जो मसला था वो ये था कि जो बात उसने मुझे बता दिया मैं कैसा रिएक्ट करता हूँ। आई हैड प्रूव्ड द मैन टू बी इंटेलिजेंट विजिलेंट पेनस्टेकिंग एंड एग्जैक्ट, बट हाउ लॉन्ग माइट ही रिमेन सो इन हिज स्टेट ऑफ माइंड। मैं सोच रहा था, मैंने सिग्नल मैन को ये कहा था कि वो बहुत ही विजिलेंट यानी कि हार्ड वर्किंग है, बड़े पेन लेकर काम करने वाला और एग्जैक्ट रेगुलर बंदा है, लेकिन कितनी देर तक कोई इतना ऐसे रह सकता है इस किस्म की डिजास्टर सिचुएशन के अंदर जिसमें दो एक्सीडेंट्स हो चुके हैं और हॉरिबल जो वार्निंग्स हैं वो अगेन आ रही हैं। कितनी देर तक कोई अपना दिमागी तवाजुन ठीक रख सकता है। दो इन आ सबॉर्डिनेट पोजीशन, वैसे भी उस वक्त किस पोजीशन में था, एक सबॉर्डिनेट पोजीशन में, स्टिल ही हेल्ड अ मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रस्ट एंड वुड आई फॉर इंस्टांस लाइक टू स्टेक माय ओन लाइफ ऑन द चांसेस ऑफ हिज कंटिन्यूइंग टू एग्जीक्यूट इट विद प्रिसीजन। अभी भी क्या मैं उससे उस पर ये ट्रस्ट करता था और उसे ये कह रहा था कि वो अपनी जिंदगी को स्टेक पे लगाकर उतनी ही दयानतदारी और प्रिसीजन के साथ अपना काम करता रहे? कब तक कोई किसी को इतना समझा सकता है? अनएबल टू ओवरकम अ फीलिंग दैट देयर वुड बी समथिंग ट्रेचरस इन माई कम्युनिकेटिंग व्हाट ही हैड टोल्ड मी टू हिज सुपीरियर्स इन द कंपनी विदाउट फर्स्ट बीइंग प्लेन विद हिमसेल्फ एंड प्रपोजिंग अ मिडल कोर्स टू हिम, आई अल्टीमेटली रिजॉल्व टू ऑफर टू कंपनी हिम, अदरवाइज कीपिंग हिज सीक्रेट फॉर द प्रेजेंट टू द वाइजेस्ट मेडिकल प्रैक्टिशनर वी कुड हियर ऑफ इन दोज पार्ट्स एंड टू टेक हिज ओपिनियन। माज इतनी लेट क्लास ज्वाइन कर रहे हो आप? तो कहता है कि मैंने इस वक्त उसे, अगर उसे 2-3 दिन का वक्फा मिल जाता इस काम से जो वो कर रहा था, तो शायद उसे उसे कंपनी करके उसके हमरा जाकर किसी मेडिकल प्रैक्टिशनर से बात की जा सकती थी। अगर उसको कोई ये मेंटल इलनेस थी या उसकी मेंटल प्रॉब्लम थी वो हो सकती थी। और मैंने ये सोचा था कि अगर इसे इसकी कंपनी के साथ बात करके अगर वो उसे कुछ देर के लिए रिलैक्स करते हैं तो उसे मेडिकल प्रैक्टिशनर के पास जरूर लेकर जाएगा। अ चेंज इन हिज टाइम ऑफ ड्यूटी वुड कम राउंड नेक्स्ट नाइट, एक रात के बाद अगर उसकी ड्यूटी में चेंज आ जाएगा, ही हैड अप्राइज्ड मी जो उसने मुझसे बयान किया था, एंड ही वुड बी ऑफ एन आवर और टू आफ्टर सनराइज एंड ऑन अगेन सोन आफ्टर सनसेट, क्योंकि उसने उसे वो औकातकार बताए थे जिसमें वो फ्री होता है, वो टाइम उसका जो स्लॉट फ्री होती है उसमें वो उससे मिल सकता है। आई हैड अपॉइंटेड टू रिटर्न अकॉर्डिंगली, और मैं वापस उसके पास आने का उससे बात करके आ गया। नेक्स्ट इवनिंग वॉज अ लवली इवनिंग एंड आई वॉक आउट अर्ली टू एंजॉय इट। द सन वॉज नॉट येट क्वाइट डाउन वेन आई ट्रेवर्स द फील्ड पाथ नियर द टॉप ऑफ द डीप कटिंग। I would extend my walk for an hour, I said to himself, half an hour on and half an hour back, and it would then be time to go to my signal man's box. अब उसे वो रेगुलर वॉक के लिए निकला तो उसे याद आया कि उसने 1 घंटे की वॉक के बाद कि उसे उसने अपॉइंटमेंट की हुई है सिग्नल मैन के साथ कि उसके पास वापस जरूर जाएगा। बिफोर परसुइंग माई स्ट्रोल, स्ट्रोल इज अ फास्ट वॉक, स्ट्रोल क्या होती है, ना ये रनिंग होती है ना वॉकिंग होती है, तेज तेज कदमों के साथ चलना स्ट्रोल करना कहलाता है, लाइक द पीपल डू इन व्हेन दे गो फॉर मॉर्निंग वॉक और फॉर एक्सरसाइज। आई स्टेप टू द ब्रिंक, वो जो नीचे खाई थी मैं जब उसकी ब्रिंक पे आया, उसकी ब्रिंक कहते हैं बिल्कुल किनारा, एंड मैकेनिकली लुक डाउन फ्रॉम द पॉइंट फ्रॉम विच आई हैड फर्स्ट सीन हिम, और मैं उस जगह पे पहुंचा जहां पहली दफा मेरा सिग्नल मैन के साथ राबता हुआ था और मैंने इसे ऊपर से पुकारा था, हेलो बिलो देयर। आई कैन नॉट डिस्क्राइब द थ्रिल दैट सीज्ड अपॉन मी व्हेन क्लोज एट द माउथ ऑफ द टनल आई सॉ द अपीयरेंस ऑफ अ मैन विद हिज लेफ्ट स्लीव अक्रॉस हिज आईज पैशनेटली वेविंग हिज राइट आर्म। मुझे अपनी आंखों पर यकीन ना आया और मैं वो थ्रिल और वो
क्या कहना चाहिए कि सनसनी नहीं बता सकता। जब मैंने नीचे देखा तो मैंने एक आदमी को खड़े हुए देखा नीचे, जिसने एक बाजू अपनी आंखों पर रखा हुआ था और दूसरा बाजू बहुत तेजी के साथ हिला रहा था। द नेमलेस हॉरर दैट अप्रेस्ड मी पास्ट इन अ मोमेंट। एक लम्हे के लिए वो खौफ चला गया। फॉर इन अ मोमेंट आई सॉ दैट दिस अपेरेंस ऑफ अ मैन वॉज अ मैन इंडीड। कि हकीकत में वो जो आदमी हाथ हिला रहा था और एक बाजू आंखों पे रखा हुआ था, वो इंसान था, वो कोई घोस्ट नहीं था। एंड दैट देयर वॉज अ लिटिल ग्रुप ऑफ अदर मैन, और कुछ लोग भी उसके आसपास खड़े थे, स्टैंडिंग एट द शॉर्ट डिस्टेंस, टू होम ही सीम टू बी रिहर्सिंग द जेस्टर ही मेड, जिनको वो हाथ से इशारा कर करके जेस्टर बना बना के दिखा रहा था। द डेंजर लाइट वॉज नॉट येट लाइटेड। अभी तक गाड़ी के आने की वजह से कोई भी डेंजर लाइट ऑन नहीं थी। अगेंस्ट इट्स शैफ्ट, उसके उसी टनल के अक्स के पास, आ लिटिल लो हट, एक छोटा सा हट एंटायरली न्यू टू मी, हैड बीन मेड ऑफ सम वुडन सपोर्ट्स एंड टर्पोलिन। और उसी के पास एक छोटा सा हट भी बनाया गया था जो कि टर्पोलिन का बना। टर्पोलिन ये बांस होता है जिससे छोटे छोटे हट बनाए जाते हैं जंगलों में। It looked no bigger than a bed. इससे बड़ा नहीं था। With an irresistible sense that something was wrong, मेरी sixth sense ने मुझे कहा कि कुछ ना कुछ गलत है। With a flashing self-reproachful fear that fatal mischief had come of my leaving the man there and causing no one to be sent to overlook to correct what he did, I descended that notched path with all the speed I could make. बजाय इसके कि मैं वहां खड़े होकर देखता कि वो आदमी क्या कर रहा है और जिस किस्म के वो इशारे कर रहा था, वो खौफनाक इशारे, मैं बजाय कुछ और सोचने के मैं जल्दी से भागकर नीचे गया जितना जल्दी मैं जा सकता था। What is the matter? I asked the man. Signal man killed this morning, sir. Signal man is सुबह kill हो गया, murder हो गया. Not the man belonging to that box. अब जैसे एक बंदे को यकीन ना आ रहा हो अपनी आंखों पे और अपने कानों पे, तो उसने इशारा करते हुए कहा जो इस हट में सिग्नल मैन रहता था, हालांकि और कौन सा वहां सिग्नल मैन था, एक ही तो था वो। Not the man belonging to that box? Yes, sir. Not the man I know? वो ही जिसे मैं जानता हूँ। You will recognize him, sir, if you knew him. अगर आप उसे जानते होंगे तो recognize कर लेंगे, डेड बॉडी देखकर, said the man who spoke for the others, solemnly uncovering his own head and raising an end of the tarpaulin. और वही बेड जो बनाया गया था उसको, for his face is quite composed, और उसका चेहरा उसे दिखाया। Oh, how did this happen? How did this happen? I asked, turning from one to another as the hut closed in again. मैं एक हर किसी से पूछ रहा था ये कैसे हो गया। He was cut down by an engine, sir. टनल से निकलने वाली ट्रेन के इंजन ने इसे कट कर दिया, दो हिस्सों में काट दिया। नो मैन इन इंग्लैंड न्यू हिज वर्क बेटर। इस जैसा सिग्नल मैन पूरे इंग्लैंड में नहीं होगा जो अपने काम को बेहतर जानता था। बट समहाउ ही वॉज नॉट क्लियर ऑफ द आउटर रेल। हैरानगी इस बात पे है कि टनल से निकलने वाली ट्रेन के बारे में ये जानता क्यों नहीं था। ये तो अपने इससे बेहतर तो कोई ये काम समझता ही नहीं है। It was just a broad day, और वैसे भी दिन था। He had struck the light and had the lamp in his hand. खुद इसने लाइट ऑन की है कि ट्रेन आ रही है, और अपने हाथ से इसने लैंप ऑन किया। As the engine came out of the tunnel, लेकिन जैसे ही ट्रेन का इंजन, मतलब इंजन निकला उस टनल से बाहर, his back was towards her and she cut him down. That man drove her and was showing how it happened. और वो आदमी जो है वो उसे इशारा कर करके बता रहा था कि किस तरह ट्रेन आई और किस तरह ये नीचे आया। शो द जेंटलमैन टॉम, वो आदमी दूसरे को कहता है इसको बताओ जरा कि क्या सूरत हाल हुई। द मैन हु वोर अ रफ डार्क ड्रेस स्टेप्ड बैक टू हिज फॉर्मर प्लेस एट द माउथ ऑफ द टनल। वो टनल के माउथ से थोड़ा पीछे हटकर उसे बताने लगा कि ट्रेन इधर से आ रही थी और वो कहाँ खड़ा था। Coming round the curve in the tunnel, जो टनल की कर्व बनी हुई है जिसको आर्क कहते हैं, he said, I saw him at the end, like as if I saw him down a perspective glass. मैंने इसे इस तरह खड़े हुए देखा जैसे बंदा किसी को दूरबीन से देख रहा हो। There was no time to check speed, and I knew him to be very careful. और इसे ये भी पता था कि इसे टाइम का भी पता था, स्पीड का भी पता था कि ट्रेन टनल से जब निकलती है तो फुल स्पीड में होती है। दूसरी बात, ये बहुत केयरफुल होता था हमेशा। And as he didn't seem to take heed of the whistle, train बार-बार whistle कर रही थी लेकिन ये train की तरफ देख ही नहीं रहा था।
आई शट इट ऑफ वेन वी वर रनिंग डाउन अपॉन हिम, हम उसकी तरफ भाग रहे थे उसे बचाने के लिए, एंड कॉल टू हिम एज लाउड एज आई कुड कॉल, और इतनी जोर जोर से पुकार रहे थे जितना हम पुकार सकते थे. व्हाट डिड यू से? आई सेड बिलो देयर, लुक आउट फॉर गॉड सेक क्लियर द वे. ये भी वही वर्ड्स बोल रहे थे जो उसे घोस्ट बोलता था. इस दफा भी उसे ये लगा कि वो वर्ड्स घोस्ट बोल रहा है, कोई ट्रेन नहीं आ रही. आई स्टार्टेड, मैं एकदम चौंका. आह, इट वॉज अ ड्रेडफुल टाइम सर, आई नेवर लेफ्ट ऑफ कॉलिंग टू हिम, मैं उसे पुकारता रहा, मैं पुकारना बंद नहीं हुआ. आई पुट दिस आर्म बिफोर माई आईज नॉट टू सी, एंड आई वेव दिस आर्म टू द लास्ट, बट इट वॉज नो यूज. मैं एक बाजू आंखों पर रख के उसे बार बार हाथ हिला रहा था, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं था. विदाउट प्रोलॉन्गिंग द नैरेटिव to dwell on any one of its curious circumstances more than on any other, I may, in closing it, point out the coincidence that the warning of the engine driver included not only the words which the unfortunate signalman had repeated to me as haunting him, but also the words which I myself, not he, had attached, and that only in my own mind, to the gesticulation he had imitated. कहता मैं अपने नैरेटिव को, शॉर्ट स्टोरी को मजीद नहीं बढ़ाऊंगा, और इसको बढ़ाने का, इससे बेहतर इसको यहाँ पे खत्म करने का कोई वो नहीं है कि जिस किस्म की क्यूरियस सर्कमस्टांसेस में, क्लोजिंग में, और जो को इंसिडेंट्स उसकी लाइफ के साथ हो चुके थे, वो बेचारा अनफॉर्चुनेट सिग्नल मैन उन्हीं रिपीटेड वर्ड्स को जो उसे हॉन्ट कर रहे थे सुनता सुनता, आखिरकार उसके उसके जहन में वो वर्ड इस तरह चले गए थे कि उसे दूसरों का किया हुआ इशारा भी घोस्ट का इशारा लगता था, कि अगर कोई इंसान भी उसे इशारा कर रहा था तो उसे लगता था कि वो स्पेक्टर, उस घोस्ट का, उस स्पिरिट का जेस्चर है, और वो इसी जेस्चर की वजह से दुनिया से चला गया. तो इस दफा घोस्ट ने क्या किया, इस दफा घोस्ट खुद नहीं आया, उसने ये काम किसी इंसान से करवाया. सिग्नल मैन को मारने के लिए उसने वही जेस्चर, वही वर्ड्स किसी इंसान से कहलवाए. So, Spectre is the real murderer of Signalman. What do you say? लेकिन मैम स्पेक्टर ने क्यों सिग्नलमैन को मरवाया, उसको क्यों किल किया उसने? तो स्पेक्टर का पहले वाले लोगों के साथ भी क्या वो था, क्या बदला लेना था उनसे, क्या उसकी दुश्मनी थी? अब यही तो सवाल है कि क्या वाकई कोई भूत था या नहीं था, कोई घोस्ट था या नहीं था, ये बताएं. या अभी भी ये सिग्नल मैन की, अभी भी हकीकत में तो शॉर्ट स्टोरी एक ऐसे नोट पे एंड हुई है कि सिग्नल मैन गलत फहमी में नीचे आ गया, लोग उसे बचा रहे हैं, वो बात ही नहीं सुन रहा. अभी भी स्टोरी में नहीं हमें लग रहा कि कोई घोस्ट था. यही तो कंफ्यूजन है, इसका कंक्लूजन तो आपने निकालना है. आपको लगता है कोई घोस्ट था या सिर्फ ये उसी की क्या कहना चाहिए कि उसी के जहन की पैदावार था बस? मैं वैसे हो सकता है ये उसी की जेन की पैदावार थी, उसने एंड पे तांगा आके खुद ही सुसाइड कर लिया. लोग उसे बता भी रहे थे कि देखो ट्रेन आ रही है, और वो सामने खुद ही खड़ा रहा, ट्रेन उसे उड़ा दिया, उसने ऐसे सुसाइड कर लिया. तो फिर उन वर्ड्स का क्या है जो उसे बार बार पुकारने पे उसे आते थे, इवन उसके मरने के बाद भी लोग उसे वही वर्ड बोल रहे हैं, वो वर्ड्स क्यों है? उसे तो वो वर्ड्स भी सुनाई दे जाते थे, बेल की आवाज भी सुनाई दे जाती थी, जो कि नैरेटर को सुनाई नहीं दी थी. तो अब वो इतना ही क्या बेसुध और बेहोश खड़ा हुआ था कि उसे ट्रेन की आती हुई विसल सुनाई नहीं दे रही थी. उमेर, Umair, are you there? Umair, मैंने तुम्हें रिमूव कर देना है क्लास से. मैंने पहले बताया मुझे क्लास में से रिमूव करना आता है, पहले नहीं मुझे पता था कैसे रिमूव करते हैं, अब मुझे पता चल गया. मैम ये कब सीखा है आपने? ये दो क्लासेस पहले. ये अचानक मैंने इतना भी मुश्किल नहीं है प्रिंस.
ये मैंने ये 3 डॉट्स है ना, इसके ऊपर क्लिक करके देखा तो यहाँ पे रिमूव का ऑप्शन था, तो मुझे यकीन हो गया कि ये रिमूव फिर क्लास में से रिमूव करने वाला ही है। मैं वो एक्सीडेंटली क्लिक हो गया 3 डॉट्स में, या आप फंक्शंस देख रही थी? नहीं, ये एक्सीडेंटली क्लिक हो गया था। मैं एक्चुअली वो स्टूडेंट्स वो पीछे जाने की कोशिश करी तो ये 3ों डॉट्स पे क्लिक हो गया, तो ऊपर नाम भी आ गया एक, और फिर नीचे 3 ऑप्शन भी आ रहे थे, पिन, रिमूव और कैंसिल। तो ये सिग्नल मैन की तरह एक्सीडेंटली क्लिक हुआ तो मुझे पता चला। अच्छा मैम आप प्रिंस को रिमूव करके देखें होता भी है या नहीं। अब तुम्हें आवाज आ गई मेरी उमेर, मैं तुमसे शॉर्ट स्टोरी का वो पूछ रही हूँ कि उसके बारे में बताओ, वो तब तुम्हें आवाज नहीं आ रही थी, तो मैं ना पहले मैं तजर्बा करके देखूं तुम्हारे ऊपर। नहीं नहीं मैम रहने दें। हाँ चलो बताओ फिर, तुम्हें क्या लगता है कोई घोस्ट वाकई था या नहीं था? नहीं मैम ये उसके माइंड का मतलब कि वो इमेजिन कर रहा था, लेकिन ऐसा वैसा कुछ नहीं था। तो डेथ उसी वक्त क्यों होती है जब उसे वो घोस्ट नजर आता है? पहले भी तो दो दो लोगों की इसी तरह डेथ हो चुकी है, बल्कि दो की क्या, पहले तो 10 लोगों की हुई थी, फिर एक जो लड़की थी उसकी डेथ हुई, अब उसकी अपनी। वो वर्ड्स क्यों उसे बार बार सुनाई देते हैं? जुहेब, जुहेब सिग्नल मैन किसी मेंटल इलनेस का शिकार था? मैम उसका नेम ही हेलो बिलो था, ठीक है? उसको जब बुलाते थे हेलो बिलो देते हैं, इस वजह से उसके दिमाग में ये अल्फाज बैठ गए, ये तो अल्फाज बोले जाते हैं जब एक्सीडेंट होता है। तो फिर एक ही अल्फाज इतने दफा कोइंसिडेंस होता है कि लोग बार 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 यही वर्ड्स बोलते रहते हैं? मैम उसका नेम ही यही था। किसका? जहेब, जहेब हेलो किसी का, वो ये हेलो के ही स्पेलिंग है, हेलो ये ओल्ड इंग्लिश है ना, उसका मैं बताऊं, नाम। मुझे जो लग रहा है, पहले तो वो जी स्केप्टिसिज्म का शिकार था ना, और उसके बाद वो जो उसको डरावने मतलब वो सारे फील आता था, वो उसका हॉरिफाइड बिलीफ बन चुका था। मतलब ऐसे अच्छा सच में कोई भूत नहीं थे। लेकिन मैम अगर वैसे सिग्नल मैन को अगर साइड कर दे तो असल में तो होते ही हैं, मतलब जैसे कहते हैं ना कि पुराने बंद घरों में मत जाएं अकेले, मतलब भूत नहीं होते, भूत हम बोलते हैं वो जिन्नात होते हैं, लेकिन सिग्नल मैन का तो ये हॉरिफाइड बिलीव था, क्योंकि वो जो लोग मरे भी तो, और तो किसी ने नहीं ना बोला कि वो मरे हैं, वो तो सिग्नल मैन ही बोलता था कि वो मरे हैं। तो क्योंकि और लोग वहां पे मौजूद भी कब होते थे, कौन देखने आता था वहां पे मर्डर? लेकिन मैम जब कोई मरता है तो ऐसे तो नहीं होता कि वो ऐसे ट्रेन के पास मर गया तो किसी को पता ही नहीं चल रहा, कभी तो पता चलता ही है ना, तो इसका जैसे मतलब है लोग कि नहर में डूब के सुसाइड कर लेते हैं, भले ही वहां कोई ना हो लेकिन फिर भी पता चल जाता है कि कोई लाश थी या ऐसे कुछ आइडिया होता है। तो इसका मतलब है कि वो जो अगर लाशों सिर्फ के सिग्नल पास रहा मैन को ही पता चल रहा है तो मतलब फिर तो ये कुछ और ही है, ये झू नहीं, मतलब उसका इमेजिनेशन ही हो सकता है अगर सिर्फ उसको लग रहा है तो। इसका मतलब है कि लोगों की डेथ्स होना और 2 दफा इस तरह का इंसिडेंट हो जाना, ये हकीकत में ऐसा कुछ नहीं था, ये सिर्फ सिग्नल मैन को ही की अपनी इमेजिनेशन, उसे लगता था कि कोई मर गया। जी मैम, जैसे मैंने आपको बोला कि मुझे ऐसा कंक्लूजन समझ आया कि उसका वो एक हॉरिफाइड बिलीफ बन गया था, तो फिर जब मतलब एक कांस्टेंट स्टेट में हो आप डर के, तो फिर ऐसा ही आपको फील होगा ना। लेकिन मैम आई कैन बी रॉन्ग, मुझे पक्का नहीं पता। नहीं ठीक है, इट्स योर ओपिनियन। एक और बात भी है, पहली दफा जब उसे घोस्ट नजर आया तो जब वो 6 से 7 लोगों की डेथ हुई और 6 7 लोग वोंडेड भी हुए थे, उसके बाद से जो हुआ ना, 6 7 महीने का वक्त गुजर गया था। वो खुद बताता है कि उसके बाद 6 7 महीने गुजर गए थे, कोई ऐसा वाकया नहीं हुआ, फिर वो जो यंग लेडी वाला वाकया वो हुआ। एक सेकेंड, पहले ये मुझे बताइए जो अभी क्लास में आया, इसका नाम मुझे भूल गया, मुबशर, मुबशर इतने लेट क्यों आ रहे हो क्लास में आप? मैम सॉरी मैं बिजी था जरा, तो इसलिए आज मैं क्या बिजी थे, कहाँ बिजी थे, पता चलना चाहिए हमें भी। मैम घर में, तो इसलिए मैं क्लास में टाइम पे आया करें, सुधर जाएं।
जी मिस। अच्छा तो वो जो इतना बड़ा गैप आना, 6 to 7 months का गैप आना एक मर्डर के बाद, अगर ये कोई मेंटल इलनेस होती तो फिर सिग्नल मैन को पहले डेथ के बाद, जो कि 8-10 लोगों की डेथ, जो कि बहुत बड़ा एक क्या कहना चाहिए डिजास्टर था, उसके बाद तो सिग्नल मैन को वो रोज नजर आना चाहिए था। 6 to 7 months के बाद दूसरा इंसिडेंट हुआ और फिर वो कहता है कि अब वो रोज आता है, मुसलसल आता है और उसे रोज नजर आता है सामने खड़ा हुआ। तो इससे क्या लेंगे आप, इससे क्या डिराइव करेंगे मीनिंग? मैम उसकी मेंटल इलनेस का ये मुझे ऐसा लगता है, पता नहीं कौन सा स्टेट है जिसमें कभी कभी उसको भूत फील होते हैं, फिर गैप आ जाता है बीच में। अच्छा एक मिनट, ये ठीक है फरवा, मुझे फराज बताएगा ये। जी फराज, तो और कौन करता है? ड्राइवर के तो कोई दुश्मनी नहीं थी। तो उसे जब नैरेटर फर्स्ट टाइम आकर बुलाता है तो उसे तब भी लगता है कि वो कोई घोस्ट है। इसका मतलब कि जब उसके पास लोग उसे भाग रहे हैं, उसे उसे बचाने के लिए, कि पीछे से ट्रेन आ रही है, लेकिन वो मुसलसल खड़ा किसी चीज को घूर रहा है, उसे लग रहा है कि जो आदमी उसकी तरफ भागता हुआ आ रहा है और कह रहा है कि लुक आउट बिलो देयर फॉर गॉड सेक क्लियर द वे, उसे लग रहा था कि वो भी घोस्ट आ रहा है। तो घोस्ट वो वर्ड्स क्यों बोलता है जो बार बार इंसान बोलते हैं? आप लोग तो आप लोगों का सबका ये कहना है कि कोई घोस्ट नहीं है, यानी कि आपने नहीं मानना। सही, सीआर बताएगा आपका वाकई इसमें क्या है। सीआर जरा कंक्लूड करना। मेरे ख्याल से तो ये फराज भाई की बात ठीक है, लेकिन वो जो उसको आवाजें आती थी हेलो ब्लो डियर, मेरे ख्याल से वो कोई इंसान ही देता था। मिसाल के तौर पर जब भी कोई एक्सीडेंट होने लगते हैं पाकिस्तान में, हम एक ही वर्ड बोलते हैं, वो ये पीछे हट जा। उधर वो अंग्रेज लोग थे तो हेलो ब्लो देखते ब्लो बोलते थे, क्योंकि वो नीचे खड़ा था, नीचे थी सारी, उसकी जो है बहुत समझ लेता था। मतलब आपके कहने का ये है कि जब हम किसी को मना करते हैं तो अल्फाज होते ही ये हैं, होते ही सेम है, होते ही सेम है कि पीछे हो जाओ, तो इसलिए उसके ज़हन में वही वाले अल्फाज ऑटोमेटिकली आ गए थे। और इसके ऊपर ये सारे का सारा उस एनवायरनमेंट का असर था, वरना कोई नहीं था, क्योंकि एनवायरनमेंट ही बड़ा जरूरी था। एनवायरनमेंट के अलावा वो जो बताता है कि जो अमवात हुई थी वो सच भी हो सकता है, लेकिन उसका वो, क्योंकि वो रहता था उसके अंदर रहता था, रोज देखता था, कोई बाहर से जाके बंदा कोई देखे किसी एक मौत को तो वो कुछ देर के लिए सदमे में रहते, लेकिन वो कंटिन्यूसली वो देख रहा था, इसलिए उसकी मेंटल जो इलनेस है वो भी थोड़ी सी मेरे ख्याल से वो हो गया था, मेंटली भी इल था डिस्टर्ब था। जी राइट, ये पॉइंट वैसे मेरे ज़हन में भी आया था कि जब आप होता है ना कि जब आपके ज़हन में एक चीज एक मुसलसल टाइम के लिए घुस जाती है, तो फिर आप उससे उसको वॉलंटरली या इनवॉलंटरली निकाल ही नहीं पा रहे होते। और दूसरी बात ये पॉइंट भी है कि होते ही एक जैसे वर्ड्स हैं, जब कोई किसी चीज के नीचे आ रहा हो तो आप उसे ये तो नहीं कहेंगे कि छलांग लगा दो, आप उसे ये कहेंगे साइड पे हो जाओ। तो इस तरह ये वर्ड्स होते ही सेम है, तो इसलिए सेम होने की वजह से ही उसके जहन में ये वर्ड्स चले गए। अच्छा चलिए, अभी आप लोगों ने क्या करना है, मैं आपको दो इम्पॉर्टेंट पैराग्राफ्स के अंडरलाइन करवा देती हूँ जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है, वो आप लगा लें। सर
सबके पास है ना शॉर्ट स्टोरी। यस मैम। जिनके पास वैसे नहीं है इसमें है सॉफ्ट फॉर्म में, वैसे वो वर्ड्स लिख लीजिएगा ना, पहले दो लिख लें और एंड वाले लिख लें। एक सेकेंड, लेट मी चेक कि इसमें से आपको कौन सा पैराग्राफ दिया जा सकता है। हाँ ये पैराग्राफ है, मेरे पास पेज का नंबर नहीं है इस पे। ये है, रेजिस्टिंग द स्लो टच ऑफ अ फ्रोजन फिंगर। Got it? मैम ये कौन से पेज पे है? अच्छा मेरे पास ना पेज का नंबर नहीं है, लेकिन मैं आपको इसका ये जो है ना मैम, सेंटेंस, आप इन टू स्क्रीनशॉट द ले लेना इनटू द उसका, पैराग्राफ टनल। का आप स्क्रीनशॉट लेके सीआर को भेज दें। मैं भेजती हूँ, एक सेकंड। जी हाँ वो भी देख ले, लेकिन मैं फोटो भी सेंड कर देती हूँ। हाँ मैं आपको भेज रही हूँ। रेजिस्टिंग द स्लो टच ऑफ अ फ्रोजन फिंगर, ट्रेसिंग आउट माई स्पाइन। यहां से लेकर आप इसको करेंगे, ही हैड नॉट फिनिश्ड तक। राइट? ये ढूंढ रहे हैं अभी सब लोग। मिल गया मैम। ओके, उसके बाद सेकंड पैराग्राफ, सेकंड एंड लास्ट पैराग्राफ है, दो ही लगवाऊंगी बस इस शॉर्ट स्टोरी में से। ये इस शॉर्ट स्टोरी का लास्ट पैराग्राफ, विदाउट प्रोलॉन्गिंग द नैरेटिव टू ड्वेल ऑन एनी वन ऑफ इट्स क्यूरियस सर्कमस्टांसेस। इसकी मैं लाइन स्टार्ट से भी दे सकती हूँ, मैं इसके अंदर से भी दे सकती हूँ, लेकिन आपने इसको क्रिटिकली एनालाइज करना है और बताना है कि लाइंस एक्चुअली किस चीज को डिस्क्राइब कर रही हैं, और इन लाइंस के थ्रू राइटर क्या पॉइंट ऑफ व्यू देना चाह रहा है, और आप इससे क्या कंक्लूजन निकालते हैं जो आपकी अपनी ओपिनियन है। एम आई क्लियर? मैम ये पेपरों के हवाले से है? पेपर्स के हवाले। फिर इस तरह होता है ना कि मैं आपको साथ साथ अगर लगवाती रहूंगी तो आप उसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हो, और अभी से ही प्रेपरेशन भी कर सकते हो, मैम ये तो बाद आप में साथ जब साथ साथ में। लास्ट 4 स्टोरीज गुजर गई हैं सेकंड सेमेस्टर, उसमें तो आपने कोई नहीं लगवाया। एक्चुअली पिछली स्टोरीज में इसलिए नहीं लगवाया था, पिछली स्टोरीज में मैंने मोस्टली क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया था। आप हर सेमेस्टर के साथ उन्हीं शॉर्ट स्टोरीज को डिफरेंट वे से पढ़ते हो। अब आपने क्रिटिकल एनालिसिस करना है। पहले सेमेस्टर में आप लोगों ने इसकी सिर्फ क्वेश्चनिंग करनी थी, अब आपने इनके पैराग्राफ को क्रिटिकली एनालाइज करना है। जब आप इससे अगले सेमेस्टर में जाएंगे तो आप इन इन्हीं शॉर्ट स्टोरीज को रिसर्च बेस्ड शॉर्ट स्टोरीज करेंगे। ओके मैम। देखते हैं अभी तो, अगर तो ट्रेडिशनल होती हैं क्लासेस तो फिर इंशाल्लाह हम उसमें ग्रामर ग्रामर का जो हमारा पोर्शन है वो भी ऐड करेंगे। कोई क्वेश्चन है इससे रिलेटेड, ये जो पैराग्राफ मैंने लिखवाया है, किसको क्या करना है, कैसे करना है? क्वेश्चन तो होता ही नहीं कोई आप लोगों के पास।
इंटेलिजेंट ही फॉर्चुनेटली बोलना कहना पड़ेगा चाहिए, अभी तो। फॉर्चुनेटली कहना चाहिए या अनफॉर्चुनेटली? मैम क्रिटिकल एनालिसिस शायद करना हो, लेकिन आप फिर भी बता दें। क्रिटिकल एनालिसिस आप कैसे करते हैं? देखिए, आप जब आपके सामने एक पैराग्राफ आता है, सबसे पहले देखते हैं कि इसके बैकग्राउंड में क्या बात चल रही है। फिर आप देखते हैं कि इन लाइंस में राइटर का पॉइंट ऑफ व्यू क्या है जो वो देना चाह रहा है। फिर आप उस पॉइंट ऑफ व्यू के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू रिलेट करते हो। फिर आप दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू को रिलेट करने के बाद कंक्लूजन निकालते हो, जिसको आप क्रिटिकली एनालाइज करना कहते हैं। आप राइटर के साथ डेफिनेटली डिसअग्री कर सकते हैं। आपको उसका पॉइंट अगर लग रहा है कि इस पॉइंट में ऐसा नहीं होना चाहिए था, आप उसको अपने आर्ग्यूमेंट के साथ डिसअग्री करेंगे। वैसे ही नहीं कह देंगे कि हमें राइटर से बहुत ज्यादा इख्तलाफात हैं। अगर आपको इख्तलाफात हैं, यू हैव सम रिजर्वेशंस, यू हैव टू गिव द आंसर और जस्टिफिकेशन और आर्ग्यूमेंट्स फॉर दैट। ठीक है जी मैम, ठीक है। ठीक है फिर। अच्छा, नेक्स्ट शॉर्ट स्टोरी जो हम पढ़ेंगे वो आपकी इसी बुक की एक शॉर्ट स्टोरी है, द येलो वॉलपेपर। और द येलो वॉलपेपर जो है ये भी तकरीबन इसी तरह की एडवेंचरस और क्या कहना चाहिए कि कंफ्यूजिंग स्टोरी है। शायद आप लोगों को इतनी कंफ्यूजिंग स्टोरी देने का पर्पज ये है क्योंकि आप लोगों के अकॉर्डिंग आप लोग वैसे भी हर चीज के तय में पहुंच रहे होते हैं। जो लॉयर्स होते हैं उन्होंने एम्बिगुअस प्रॉब्लम्स को सामने लेकर आना होता है, तो मोस्टली आपकी आपके सिलेबस में ऐड की हुई स्टोरीज हैं ही एम्बिगुअस, जिसका आंसर आप खुद निकालते हैं। जैसे लॉयर हमेशा किसी प्रॉब्लम का, किसी कॉन्फ्लिक्ट का कंक्लूजन खुद निकालता है, इसलिए इस तरह की शॉर्ट स्टोरीज आपको दी गई हैं। पर्पस यहाँ पे हैप्पी एंडिंग कराना नहीं है कि देखें भाई हम ये हमारे जज्बात के साथ खेलते हैं सिलेबस बनाने वाले। ये कोई भी स्टोरी की हैप्पी एंडिंग नहीं कराते। आपका प्रोफेशन हैप्पी एंडिंग या ट्रेजिक एंडिंग करने वाला नहीं है। आपका प्रोफेशन स्टोरी के अंदर से कुछ क्रिटिकल पॉइंट निकालकर उसका कंक्लूजन देने वाला प्रोफेशन है।